मैं सभी कांग्रेसजनों का जो आज जनता की समस्या और मैं इसे समस्या क्या मैं कहूंगा जनता की जेब पर डकैती इसलिए डाली जा रही है कि अडानी जैसे पूंजीपतियों की तिजोरी भर सके। कच्चा तेल 70 डॉलर पर बैरल 159 लीटर आता है बैरल में और बिक कितने पर रहा है 103.45। दूसरा खेल हुआ डीजल जो किसानों के काम आता है सिंचाई में जुताई में माल की ढुलाई में मड़ाई में उसको पेट्रोल के बराबर कर दिया यानी किसान के ट्रैक्टर को भी वही रेट देना है जो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज पे चलने वाले देश के पूंजीपतियों को या जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। और अब क्या हो रहा है 70 डॉलर पर बैरल खरीद के 104 रुपए पर लीटर बेचा जा रहा है जबकि वायदा था कि भाजपा सत्ता में आएगी और किसी ने नहीं मोदी जी ने खुद किया था तो हम इसे 25 और 30 रुपए लीटर बेचेंगे आज 54 दाम पे बिक रहा है। कांग्रेस जन जनता की समस्या के आवाज को बल देने के लिए पेट्रोल पंपों के सामने धरना दे रहे हैं। मैं कांग्रेस जनों का इस संघर्ष के लिए अभिनंदन करता हूं और भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं अब वो ट्रिक नहीं चलेगी कि चुनाव के पहले तुम कम कर दोगे। एक एक दिन जो नौजवान किसान मजदूर साधारण यात्री पैसा डीजल और पेट्रोल पंपों पे दे रहा है और वो अडानी की जैसे पूंजीपतियों की तिजोरी में जा रहा है इसका हिसाब जनता लेगी।